सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेचर लवर जेएसआर। मैं हूं सम्राट मातो और आज हम लोग का 13वां ब्लॉग है और आज हम लोग अभी द्वारका में खड़े हैं, द्वारका के भूमि में। और अभी हम लोग यहां का मंदिर सब घूमने जा रहे हैं। यहां अपना बसेस है, इस बार साइट सीन का प्रोग्राम है, उसके बाद फिर वापस आएंगे। और अपना ये मथुरा भवन अपना लॉज है, यहाँ फिर से आके हम लोग का खाना बना रहेगा, खाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, आज का दिन भी बहुत मज़ा से गुजरेगा और बहुत अच्छा अच्छा आज कैप्चर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। এটা কি মন্দির তাহলে? গোপীতলা। এটা গোপীতলা? না না, গোপীতলা তো না। কি মন্দির এটা জানতে হবে? মনে যা এটা কি মন্দির? রুকমণী মাতাজির মন্দির। মাতা মন্দির पर विवाह के बाद कृष्ण रुक्मणी जी ऋषि दुर्वासा जी को आश्रम पर भोजन को न्योता देने गए चिंता है, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आता है। और दुर्वासा जी को कृष्ण रुक्मणी जी द्वारिका में लेके आते भोजन के लिए। बराबर बीच रास्ते में रात आने पर रुक्मणी माता को पानी का प्यास लगी। तब कृष्ण जी से बोली कि नाथ, आप मुझे पानी पिलाइए, अब रथ मेरे से आगे खींचा नहीं जाता। रुक्मणी देवी को पानी पिलाने के लिए कृष्ण जी ने दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाया और भूमि में से भगवान ने गंगा जी को निकाला, जिसे चरण गंगा को नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा जी बाहर निकली, रुक्मणी देवी ने पानी पी, माता का प्यास मिट गया। पर भूल इतना हो गया कि रथ में बैठे न्योते हुए गुरु ब्राह्मण दुर्वासा जी को पहले पानी पिलाना चाहिए। बिना आज्ञा बिना पूछे पानी पीने पर ब्राह्मण का ऋषि कुल का अपमान हो गया। दुर्वासा जी क्रोधित मुनि थे, गुस्से में आके श्राप दिया कि आप पति पत्नी कृष्ण रुक्मणी जी का 12 साल का वियोग हो जाएगा। इसीलिए द्वारिका देश का मंदिर गांव में, पर माता रुक्मणी जी का मंदिर यहाँ गांव के बाहर है। इस पवित्र भूमि में आप खड़े हैं, इसी भूमि में यहाँ 12 साल तक रुक्मणी जी ने जंगल में तपस्या किया, इसीलिए यह मंदिर अलग निर्माण हुआ। दूसरा नंबर का श्राप दिया कि द्वारिका मोक्ष भूमि में कृष्ण जी सब कुछ मिलेगा, पीने का मीठा पानी नहीं मिले। तो आज भी ये जमीन में यहाँ कुआ करो, बोर करो, नमकीन पानी निकलता है, खारा पानी। यहाँ आने वाले यात्री लोग यहाँ जल का दान करके जाते हैं। हमेरा घर में, परिवार में, कुटुंब में, कोई छोटा बड़ा युवा वृद्ध में, 7 पीढ़ियों में से जो चल बसा, कोई तीर्थ में आया नहीं आया, जिसे हम जानते भी नहीं, तो वह समस्त पितृ देवता को मोक्ष मिले कि एक दिन का पानी हमेरा परिवार की ओर से हम दान देना चाहते हैं। जो सुबह से लेकर के रात तक पानी पिए, पूरे दिन में एक टैंकर पानी का 1,000 रुपया लगता है, तो एक दिन पानी पिलाया जाता है। तो आधा टैंकर पानी का दान करते हैं तो 500 रुपया होता है। दोस्तों, अभी हम लोग द्वारकाधीश जाने के लिए यहाँ सब कोई लाइन पे लगे हैं। यहाँ से हम लोग को नाव पे जाना होगा और द्वारकाधीश जो कि कृष्णा जी का नगर है ना, नगर नगरी नगरी कृष्णा जी का नगरी जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ काफी लाइन लगा हुआ, देखिए यहाँ अभी बहुत भीड़, बहुत भीड़ है। हम
গারগপুরী দর্শনের জন্য যাচ্ছি আমরা। এখন এখানে নৌকো, যেটা হ্যাসেল বলা যায়, নৌকোতে বসেছি। এখানে মোটামুটি হেড দাঁড়িয়ে আমরা এখন দেখা করতে যাচ্ছি। আর এখানে হ্যাসেলে বসেছি। এখানে সমুদ্রে বিদেশের পাখি অনেক এসছে, সেই পাখি দেখতে খুব ভালো, হ্যাঁ খুব মনোরম লাগছে, দেখতে খুব ভালো দৃশ্য। ওটা কাছে ওটা লিচি ধরব বলছে, আসে গেল তোমার। তারা মোবাইলেই না নিয়ে যাক। লোকজন দেখে জায়গাটা পরিবর্তন। আমার কর্ণকুটির বলছে গেল দেখছে রানী রকমের জন, আরো লোকজন মানে সেবা দাসিতা শিক্ষক ওই মহল ভাবছি কমি নাই রাতারাতি মানে ঘুরে যেতে যেতে दोस्तों अभी हम लोग का द्वारकाधीश दर्शन हो गया और अभी हम लोग यहाँ से फिर वापस जा रहे हैं बस के लिए। और हम लोग का बस वहाँ बाहर में खड़ी हुई है। ये देखिए हम लोग का सारा पैसेंजर चढ़ चुका है। तो हम लोग अभी पहुँच गए उस पार से इस पार, और ये हम लोग का दूसरा ग्रुप उस बोट में है। ये बोट नहीं, क्या बोलेंगे इसको, लॉन्चर या हैसल इसी। तो अभी हम लोग का यहाँ दर्शन हो गया, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने बस की ओर। तो मुझे यहाँ रास्ते पे एक मेरे फ्रेंड मिले, बोले कि जबरदस्त लगा। तो आप गुजराती हो? चले थैंक यू। तो अभी हम लोग गोपी तालाब आए हैं घूमने के लिए। हम लोग का दो पॉइंट हो गया। सबसे पहला था रुक्मणी मंदिर, रुक्मणी जी का, और उसके बाद गए थे द्वारकाधीश, और उसके बाद अभी हम लोग गोपी तालाब देखने के लिए आए हैं। ये है प्रवेश द्वार। Ah,
तो दोस्तों हम लोग अभी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग देखने के बाद ये यहाँ गुजरात का दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेंपल है और यहाँ हम लोग अभी देखने के लिए आए हैं। तो अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा लंबा लाइन है। सो हे गाइज, गुड इवनिंग। अभी हम लोग द्वारकाधीश का साइट सीन, मार्केटिंग ये सब घूमने निकले हैं।